भारतीय जनता पार्टी का नेता 31 दिसंबर को दिल्ली की एक लड़की को 12 किलोमीटर तक घसीटता रहा, देश का कोई भी मीडिया या दिल्ली पुलिस ये नहीं कहा कि मनोज मित्तल भारतीय जनता पार्टी का नेता है, चकलाघड़ चला रहे थे, 450 दारू की बोतल पकड़ी गई, अनयूज्ड कंडोम पकड़ा गया, वहाँ तीर धनुष पकड़े गए, वहाँ डेटोनेटर पकड़े गए। एक बात बताइए, न्यूज लॉन्ड्री वाले मनोज मित्तल का क्यों नहीं लेके आते? चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी में है, मीडिया का स्तर इतना गिर गया जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में। ये मीडिया नहीं है, ये आतंकवादी है। अच्छा। ये दिखा रहे हैं जमीन जिहाद, जहाँ दिल्ली पुलिस के जवान क्या कर रहे थे, क्या मुजरा कर रहे थे। आप देश की बेटी के ऊपर भाजपा नेताओं को बचाने के लिए देश की बेटी को बदनाम कर रहे हो, ये सरासर मीडिया और पुलिस का खेल है। पंकज जी, न्यूज लॉन्ड्री ने एक खबर छापी है अनमोल प्रीतम ने, और उसमें आपके ऊपर अच्छा खासा एलिगेशन लगाया गया है कि भैया आपके पास चार पहिया गाड़ी है, पैसा है और खूब बढ़िया आपने जो है फ्लैट लिया है, तो क्या यही सब सच है? अगर सच है तो हमें मकान की चाबी दे दीजिए, हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सवाल है कि कुछ लोग दूसरों की खुशियों से परेशान होते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि कोई भरपेट खाना खाए, वो नहीं चाहते हैं कि कोई भाजपा का विरोध करे। एक्चुअली आज तक चैनल की जो अरुणपुरी जी हैं, उनके रिश्तेदार का वो चैनल है और पूरी दुनिया को पता है कि वो किस हिसाब का खबर चाहते हैं। भाजपा आरएसएस के समेत तमाम मीडिया के लोगों का हमारे पास धमकी आता रहता है, लोग प्रलोभन देते रहते हैं कि मैं भाजपा का विरोध ना करूं, तो मैं करूं क्या? मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं। अभी आपने देखा होगा देश की राजधानी दिल्ली में ही भारतीय जनता पार्टी का नेता 31 दिसंबर को दिल्ली की एक लड़की को 12 किलोमीटर तक घसीटता रहा, देश का कोई भी मीडिया या दिल्ली पुलिस ये नहीं कहा कि मनोज मित्तल भारतीय जनता पार्टी का नेता है जिसने शराब के नशे में लड़की को 12 किलोमीटर तक घसीटा। ये क्लियर रहता है कि आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाइए, देश बेच दीजिए, ड्रग्स बेचिए, शराब बेचिए, लड़की सप्लाई कीजिए। आपने मेघालय में देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के नेता को चकलाघड़ चला रहे थे, 450 दारू की बोतल पकड़ी गई, अनयूज्ड कंडोम पकड़ा गया, वहाँ तीर धनुष पकड़े गए, वहाँ डेटोनेटर पकड़े गए। तो ये लोग वही लोग हैं, इन लोगों की बातों का हम लोग जरा सा भी प्रभाव ना करते। रामायण में साफ साफ कहा गया है कि हाथी के आगे कुत्ता नहीं भौंकता, चूंकि कुत्ते को डर होता है कि हाथी सूर में लपेट कर पटक के मार देगा, लेकिन कुत्ता हाथी के पीछे भौंकने से परहेज भी नहीं करता। एक बात बताइए, न्यूज लॉन्ड्री वाले मनोज मित्तल का क्यों नहीं लेके आते? चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी में है, उसने लड़की के साथ दरिंदगी की। आप बताइए, एक भी मीडिया, अगर मनोज मित्तल भारतीय जनता पार्टी का नेता जिसने दिल्ली में दरिंदगी की अपने साथियों के साथ, खबर दिखाया हो तो बता दीजिए। इन लोगों के न्यूज़ पर तो विश्वसनीयता रही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि हम भी भारतीय जनता पार्टी का गुण गाएं, और वो तो दलाली करते ही हैं, तो ऐसा नहीं होगा। और बोलिए आगे। हल्द्वानी में जो अब जो लगातार हो रहा है, इतने सारे मुस्लिम्स के घर तोड़े जा रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? अभी स्टे ऑर्डर तो लगा दिया गया है, अभी जो खबर आ रही है। मैं पूछता हूँ आपसे, ये जमीन के पट्टे किसने दिए? किसने दिए भाई ये पट्टे? किसने दिए? ये जमीन की रसीदें हैं हल्द्वानी के लोगों के। भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को विधानसभा के चुनाव में हार जाना, उन लोगों के लिए सरदर्द हो गया। अगर ये ज़मीनें, कुंभकर्ण 6 महीना सोता था, रेलवे आज़ादी के 75 साल से कहाँ सोया था? भाइयों बहनों,
मित्रों, हर सौर पर छत होगा, हर छत में नल होगा, हर नल में जल होगा, तो जल कहाँ से आएगा भैया? प्रधानमंत्री मोदी जी निकम्मे हैं, निठल्ले हैं, झूठ बोलते हैं, लगातार 80,000 का मशरूम खाकर। ये सवाल पूछिए उनसे, उनसे सवाल पूछिए कि ये स्लिप कौन दिया है भाई, ये रसीद किसके हैं, ये जो टैक्स ले जाते हैं। तो ये तमाम सवाल है जो आज़ादी के पहले भी जो लोग वहाँ रह रहे थे, जिनकी तीन तीन पुस्तें वहाँ रही हैं, ये लोग जानबूझकर संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हैं। एक बात बताइए, जब शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में होता है तो इनकम टैक्स ईडी या सीबीआई डेली पसेंजरी करता है, और जब शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में आ जाता है तो इनका छठी रात का दूध याद आ जाता है, ना ईडी जाता है, ना सीबीआई जाता है, और ना इनकम टैक्स जाता है। अरे भैया, आप शारदा नारदा का घोटाला नहीं हुआ? पूछे ना आसाम के मुख्यमंत्री से, जिस पर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, देश की तमाम संवैधानिक संस्थाएं कठपुतली बनकर मोदी सरकार के आगे नाच रही है। और क्या है, लेकिन जिस तरीके से 4,000 घर हल्द्वानी में थे, लेकिन 4,000 नहीं है, 45,000 घर हैं। सुन लीजिए ना, 4,365 घर की जो जिक्र होता है वो 2016 के हिसाब से, जिसमें 29 एकड़ जमीन को खाली कराना था, अब 78 से 82 एकड़ अब चर्चा चल रही है कि 100 से अधिक। वहाँ 50 साल पुराना दुर्गा मंदिर है, वहाँ 70 साल पुराना शिव गोपाल का मंदिर है, और आरएसएस द्वारा संचालित सरस्वती शिशु मंदिर है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिनके बाप दादा गोरे अंग्रेजों के दलाल थे, मुखबिर थे, तलबे चाटते थे, ये देशद्रोही के बच्चे हैं, उसी सपोले के बच्चे हैं। मीडिया कौन मीडिया? अरे भैया, मीडिया का स्तर इतना गिर गया जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में। ये मीडिया नहीं है, ये आतंकवादी है। अच्छा। ये दिखा रहे हैं जमीन जिहाद। अरे भैया, दुर्गा मंदिर जमीन जिहाद में बना है। अरे पूछ रहे हैं, वो मीडिया लगातार दिखा रही ना, मीडिया क्या दिखाया कि मनोज मित्तल, जो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, जिसने लड़की के साथ दरिंदगी करी, ऐसा मीडिया ने दिखाया? अगर दिखाया तो बता दो हमें कि भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए नरेंद्र मोदी को, जवाब देना चाहिए तारीफ और गृह मंत्री को, जवाब देना चाहिए स्मृति ईरानी को कि भारतीय जनता का पार्टी का नेता नए साल में जहां जश्न मनाने का समय था, वहां दिल्ली की लड़की को मौत के घाट उतार दिया। यह एक बहुत बड़ी साजिश षड्यंत्र प्रयोग का नतीजा था, वरना 12 किलोमीटर तक गाड़ी में लाश फंसी रहे और उसे समझ में नहीं आए, पुलिस वालों को पता नहीं चले कहाँ गया सीसीटीवी कैमरे, कहाँ गया पुलिस की वो टीम। 12 किलोमीटर का क्षेत्र एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, जहाँ दिल्ली पुलिस के जवान क्या कर रहे थे, क्या मुजरा गा रहे थे, बताइए आप हमको, कहाँ गया ये पुलिस का बैरिकेड लगाने का तरीका, और वो भी नया साल के दिन। ये सरासरी खेल हुआ खेल, और जानबूझ कर उस पर लीपा पोती की गई है, चूँकि भारतीय जनता पार्टी की पोल खुलनी थी। लेकिन जब निर्भया केस हुआ था दिल्ली में, तो बड़े बड़े दावे किए गए थे महिला सुरक्षा में पिंक है। अरे सुन तो लीजिए, अगर ये कोई कांग्रेस का नेता होता, आम आदमी पार्टी का नेता होता, या किसी टीएमसी का सपा बसपा का होता, तब क्या भाजपा वाले ऐसे ही घर में दुबक के बैठे होते, सड़कों पर नाच रहे होते? लोगों ने देखा है निर्भया कांड के बाद नॉर्थ ब्लॉक के झंडे फाड़ दिए गए थे, क्या आप लोग भूल गए? चूँकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बलात्कारी था, आरोपी था, उसमें दरिंदगी करने वाला था, कोई भी मीडिया और कोई भी पुलिस का जवान एक शब्द जवान तक नहीं खोला। कल तक उस पर कई सवाल उठ रहे थे, जैसे कहा जा रहा था उसकी फ्रेंड का जो बयान आया था कि ड्रिंक है, लेकिन पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई उसमें कुछ अलग ही आया। अरे भाई, पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं ना, रिपोर्ट अपने आप जब दे दोगे। जो उनके ऊपर अत्याचार हुए, 12 किलोमीटर तक जब गाड़ी से घसीट लोगे तो उसके सबूत साक्ष्य मिटा दिए गए। कहाँ थी उसकी फ्रेंड उस समय? दारू पी लिया, अब उस लड़की को बदनाम कर दोगे? अरे बेशर्मो, शर्म करो, देश की बेटी है आप, देश की बेटी के ऊपर भाजपा नेताओं को बचाने के लिए देश की बेटी को बदनाम कर रहे हो? ये सरासर मीडिया और पुलिस का खेल है जो गृह मंत्रालय के इशारे पर खेला जा रहा है। लेकिन सर, लगातार जहां भी, अरे हम पूछ रहे हैं, लगातार नया साल में पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था होती है, तब 12 किलोमीटर क्षेत्र तक
अगर किसी गाड़ी में लकड़ी का टुकड़ा फंस जाता है तो गाड़ी आवाज़ करता है, तो जिस गाड़ी में 40 से 50 किलो वजन का अगर आदमी का शरीर फंस जाए तो क्या वो आवाज़ नहीं करेगा? आप लोग क्या खाते, रोटी खाते या क्या खाते, गोबर खाते हो? नहीं, अरे पूछ रहा हूँ, सवाल ही पूछ रहा हूँ भाई। अरे आप, आपके जैसी लड़की रही होगी, आप गाड़ी में फंस जाओगे, गाड़ी में आवाज़ नहीं आएगा? गाड़ी में कहीं भी फंसेगा तो गाड़ी पलटने लगेगा, अरे कॉमन सेंस की बात है। सवाल ये है कि पहले लगातार बीजेपी के ऐसे नेता आते तो पार्टी निष्क्रिय कर देती, लेकिन मोदी जी इस बात में भी चुप हैं। कहाँ, बीजेपी में तो पुरस्कार दिया जाता है, बीजेपी में तो ढोल बाजे गाजे के साथ सम्मान किया जाता है, बीजेपी में तो चिन्मयानंद देह मालिश कराने वाले जैसे बाबा हैं, कुलदीप संगर जैसे नेता हैं। एडीआर का रिपोर्ट पढ़िए, महिला पर अत्याचार करने वाले भाजपा के 70% नेता हैं, सबको आदत लगी हुई है। ये संस्कारहीन लोग हैं, भाजपा उस सपोले के बच्चे हैं, देशद्रोही लोग हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी गोवलकर के लोग हैं, ये गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों के लोग हैं। जितना गोरे अंग्रेजों ने देश को नहीं लूटा, ये काले अंग्रेज भाजपा आरएसएस के लोगों ने देश का भट्टा बिठा दिया। लेकिन जब चाहे उत्तराखंड की बात हो, अंकिता भंडारी केस हो या फिर और भी कई केस हो, लगातार बीजेपी नेताओं के नाम आते हैं, लेकिन उसके बाद केस कहां जाता है? अंकिता भंडारी केस में क्या हुआ? अगर यही कोई मुसलमान होता मनोज मित्तल की जगह, तब टीवी चैनल का देखते हवा, अरे वाह मुसलमानों ने लव जिहाद फसाया, मुसलमानों ने ये कर दिया, तो मनोज मित्तल भाजपा का नेता ने कौन सा जिहाद फैलाया? बताओ, बताओ ना। कुछ दिन पहले एक श्रद्धा केस भी हुआ था दिल्ली में, तो लगातार मीडिया में दिखाया जा रहा था। जब उसकी सच्चाई आ गई तो कहाँ गया श्रद्धा केस, कहाँ चली गई? सच्चाई आने नहीं दिया गया। अंजलि के साथ जो हुआ, हम उसके लिए शर्मिंदा हैं कि हमारे देश का कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोज मित्तल को बचाने में लगी रही और उस लड़की को बदनाम करने में लगी रही।